नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 11 जनवरी 2024, और यहां पे 12 जनवरी 2024 के लिए यानी कि फ्राइडे वीकेंड के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी का चार्ट एनालिसिस, लेवल एनालिसिस लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। यहाँ पर बिल्कुल चार्ट के हिसाब से लेवल निकाल के मैं आपको बताता हूँ। कोई भी पर्सन बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं होती है यहाँ पर। अगर आप उन लेवल्स पर ट्रेड करते हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर लें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की नहीं होगी। डिस्क्लेमर आपने पढ़ भी लिया होगा, मैंने बोल भी दिया। दूसरी बात यह है कि आप पहले समझने की कोशिश करिए कि ये लेवल किस प्रकार निकलते हैं। मैं हमेशा चार्ट पर ले जाके समझाने की आप लोगों को कोशिश करता हूँ कि किस तरह से आप लेवल को एनालाइज कर सकते हैं, खुद सीख सकते हैं आप खुद से, लेकिन समय का अभाव हो जाता है, इस वजह से भी दिक्कत हो जाता है लोगों के पास। तो देखिए, हम आज फिर से एनालिसिस कर रहे हैं और आपको फिर से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले कैंडल देखिए, इसका कैंडल अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। जैसे कैंडल क्या देखा आपने, दो तीन बातें बताइए, दिमाग में लाइए क्या दिख रहा है इस कैंडल पे, आपको क्या दिख रहा है। तो हमें दो तीन चीज़ें आ रही कि कैंडल में हमें एक बड़ा सा विक्स दिख रहा है, उसके बाद एक छोटा सा बॉडी दिख रहा है, फिर ऊपर में विक्स दिख रहा है। नीचे का विक्स बड़ा है, ऊपर का विक्स छोटा है, लेकिन नीचे लो लगने के बाद ऊपर अच्छा खासा रिकवर किया, इसके वजह से विक्स बड़ा बन गया, बॉडी छोटा बन रहा है, और उसी से उतना ही छोटा लगभग लगभग आपका ऊपर का है। यानी कि ऊपर एक प्रेशर है, इसलिए ये ऊपर नहीं जा पा रहा है, ऊपर से नीचे आ गया, और फिर नीचे भी नहीं जा पा रहा है। नीचे जाने के बाद वहां से उसको सपोर्ट मिला और वो बाउंस कर गया। यही घुमा फिरा के बात अभी फिलहाल आपके पास निकल के आ रहा है। क्लोजिंग ओपनिंग किया था 47,538 पर, तो क्लोजिंग 47,438 पे किया, यानी कि लगभग 100 पॉइंट का डिफरेंस इसके ओपनिंग और क्लोजिंग में, यानी कि थोड़ा मार्केट रेंज बाउंड हो गया। क्लियर है ना, दोनों साइड के मूव बड़े बड़े मिल रहे हैं, यही निकल के आ रहा है मोटा मोटी। अब हम एक चीज समझ लेते हैं कि आज का जो हाई है 47,662 है, ठीक है। तो ये तो पता चल गया कि 47,700 नियर में, कल याद कीजिए 47,700 का लेवल मैंने आप लोगों को बताया था, और 47,800 ये अभी नियर में रेजिस्टेंस है। 47,700 और 47,800 का नियर में रेजिस्टेंस है। तो मैं 700 पे एक लाइन लगा देता हूँ और दूसरा लाइन है 47,800, ये नजदीकी रेजिस्टेंस एरिया है। सपोर्ट एरिया याद करिए, कल भी बात कहा था मैंने कि 47,000 बढ़िया सपोर्ट है, वहां पे मिलता है तो बाइंग करना ही चाहिए। 47,100 भी हो सकता है, हालांकि इसने 47,237 का लो लगाया, तो इतना तो पता चल गया कि जब तक ये 47,000 के ऊपर है ठीक है, 46,900 के नीचे अगर गिर गया, फिर से बोलता हूँ 46,900 के नीचे अगर गिर गया तो फिर इसमें और गिरावट बढ़ जाएगा। अब ये चीजें तो समझ में आ गया हम लोगों को बात, अब कल के लिए क्या लेवल होंगे ये देखते हैं। ये बैंक निफ्टी का चार्ट आ गया, निफ्टी का भी एक्सपायरी खत्म हो गया, बैंक निफ्टी का भी खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ये पूरे दिन थोड़ा गैप अप खुलने के बाद उस गैप को फिल कर लिया, क्लियर हो गया, फिल कर लिया, बहुत बढ़िया। उसके बाद फिल करने के बाद क्या दिख रहा है कि फिर से मार्केट इसी रेंज में साइड में हुआ, फिर एक बड़ा नीचे फॉल किया, फिर ऊपर उसको कवर कर गया। ये अभी ट्रिकी मार्केट हो गया, दोनों साइड आपको मूव करवा रहा है, पहले ऊपर भी दे रहा है फिर नीचे भी दे रहा है, बिल्कुल उसी तरह से। अब कल के लिए लेवल की बात करते हैं, तो कल का लेवल बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग निकालेंगे एक ट्रेंड लाइन का सहारा लेके। आपको ट्रेंड लाइन को सहारा लेना है और इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह यूज करना है। दिस इज सपोर्ट एरिया, और उसी तरह से अगर अपोजिट आप देखें तो यहां से एक रेजिस्टेंस एरिया भी आपको बनता हुआ नजर आ रहा है, आ रहा है ना, क्योंकि बार बार इस रेजिस्टेंस इस ट्रेंड लाइन से पास से ही तो तोड़ के सट के गिर जाता है, गिर जा रहा है वहीं से, और इस तरह यहां से सपोर्ट लेके उठ जाता है, सपोर्ट लेके उठ जाता है, क्लियर हो गया। तो ये हमें नजदीक में दिख रहा है कि ये हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, ओके बहुत अच्छा। अब आगे चलते हैं कि कल खरीदना और बेचना अगर है आपको, मान लीजिए कहां से मूवमेंट बनेगा, तो जब तक ये ट्रेंड लाइन टूट ना जाए उसके ऊपर 47,550-40 ये सबके एरिया के ऊपर जब तक निकल ना जाए तब तक बाइंग आने के चांस कम है, यानी ये वाला रेजिस्टेंस एरिया। और इसका जो रेड कैंडल यहाँ पे देख रहे हैं, इसका हाई है 47,515, इसके ठीक ऊपर 47,540-30-50 ये सारे वो एरिया आ रहे हैं जिसके ऊपर निकलने के बाद आपको एक ऊपर का मूव मिल सकता है 47,550 के ऊपर, लेकिन कितना मिल सकता है। तो इस तरह से जाएगा तो पहला रेजिस्टेंस फिर आपको यहाँ पे फेस करना पड़ सकता है, ये ध्यान रखना है, जिसका भाव जो अगर आप देखेंगे तो आता है 47,650 के आसपास का, ठीक है। तो 47,550 के ऊपर निकला तो 47,650 और ऊपर रेजिस्टेंस जो है
47,700 और 800 तक का मैक्सिमम आपको यहाँ पर मिल सकता है। अभी ऊपर के ज़्यादा लेवल 48,200 का लोग वेट कर रहे हैं, लेकिन ये लेवल इतना आसानी से भी मिलेगा नहीं। जब तक 48,000 के ऊपर क्लोजिंग ना करे, तेज शॉर्ट कवरिंग ना हो, तब तक नहीं आ सकता, इसका भी ध्यान रखिएगा। तो 47,550 के ऊपर एक जो है बाय साइड का लेवल खुलता है, और ये कहाँ तक जा सकता है ऊपर, तो अभी मैंने आपको लाइन के हिसाब से बताया, तो 47,650 से लेके 47,800 तक, इसके बीच में 700-750 का भी लेवल आता है। अब 847,800 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर गया, अगर 2 बजे के बाद तक में अगर सस्टेन कर जाता है 47,800 के ऊपर, तब ये चांस बनाता है कि 47,900 से लेके 48,000 तक जा सकता है, 48,000 तक जा सकता है। देखिए 48,000 और कुछ पॉइंट और ऊपर पकड़ लीजिए, तो ये एक हेवी रेजिस्टेंस बन सकता है। 48,000 वाला जो लेवल है वो एक तगड़ा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। 48,000 वाला लेवल यानी 48,000 वाला, चलिए यहाँ पे आपको इस पर मार्क कर देता हूँ 48,000। तो पहले यहाँ से ये 47,650 के बाद टारगेट 47,800 यानी कि 47,700-750 देन 800, इसके ऊपर टिकता 2 बजे तक में, तो 47,900 से 48,000 तक का भी मूवमेंट बना सकता है। जो ऑप्शन ट्रेडर हैं वो जाहिर सी बात है कॉल की तरफ जाना पसंद करेंगे, तो मेरे ख्याल से 47,600 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन पे आप ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि जब ये इंडेक्स ऊपर जाता है तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाने का कोशिश करेगा। ये तो हो गया। अब 48,000 याद रखिए, 48,000 एक रेजिस्टेंस एरिया है, इसीलिए आपको कॉन्ट्रा ट्रेड लेना चाहिए, मतलब जो बाय से तुरंत सेल में शिफ्ट हो गया, सेल से तुरंत बाय में शिफ्ट हो गया, तो वो आपको एक पॉजिटिव मूवमेंट बना के यानी आपको मार्केट में बनाए रखता है, और आपके अगर लॉसेस भी होते हैं तो वो कहीं ना कहीं कवर हो जाता है अगर आपको कॉन्ट्रा ट्रेड लेना आता है तो। अब इस हिसाब से अगर हम देखें तो 48,000 के आसपास शॉर्ट बन सकता है, यानी कि सेल साइड हुआ जा सकता है, ये आपको ध्यान दिलाने के लिए लिख दिया। अब मान लेते हैं कि नीचे की तरफ में हमें अगर सेल करना है तो कहाँ सेल करेंगे। देखिए ये जो ट्रेंड लाइन है यही अभी हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जिसका भाव आ रहा है 47,350 ये लेवल आता है। पहला लेवल आता है 47,400 के नीचे, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा रिस्की है, अगर 47,400 के नीचे थोड़ा रिस्की है। बढ़िया सेलिंग जोन जो बनता है वो 47,350 के नीचे का बनता है। 47,350 के नीचे एक सेलिंग का जोन खुलता है इस ट्रेंड लाइन के, और ये तोड़ेगा तो यहाँ कहाँ आएगा, तो 47,200 तक आ सकता है। इस कंडीशन में ये कहाँ तक भाग सकता है नीचे, तो 47,200 याद रखें, ये 47,200 से जैसे आज बाउंस हुआ, अगर इसके ऊपर बाउंस होना है तो ठीक है, अगर 47,200 के नीचे ही ट्रेड करता रह गया तब आपको ये 47,100 से लेके 47,000 तक का लेवल दिखा सकता है, जो प्रीवियस लो भी था, नीचे की तरफ में गया हुआ था। आपको एक लेवल यहाँ पे और मार्क कर देता हूँ, उस लेवल पे ध्यान रखना है 47,900, ठीक है, सॉरी 46,900। तो 46,900 वो एरिया है जिसके नीचे यहाँ से तेज बाइंग आ सकता है। 46,900 से याद रखें, 47,000 के बाद 46,900 का लेवल निकलता है, यहाँ से ऊपर की तरफ में बाउंस हो सकता है, लेकिन अगर ये 46,900 के नीचे नहीं ही चला गया, बाउंस नहीं किया, तब ये बड़े टारगेट फिर आपको यहाँ से दे सकता है, क्योंकि फिर इसके बाद सीधा सपोर्ट ढंग का आपको मिलेगा 46,500 के आसपास। ये भी गड़बड़ है, 46,500 के आसपास में चार्ट पे दिख रहा है ना, चार्ट मैंने कल भी दिखाया था कि अगर ये 46,900 के नीचे ही ट्रेड करता रहेगा इस लाइन के नीचे, तो फिर सीधा इसको नीचे जो है बहुत नीचे वाला टारगेट आने के चांस बन सकता है 46,900 के बाद, क्योंकि इसके बाद जो सपोर्ट एरिया है वो आपको सीधा यहाँ पे देखिए 46,500 के आसपास में बनता है इस एरिया पर। क्लियर, चलिए इसीलिए आपको ध्यान दिला दिया। ओके, अब ये हमारा काम हो गया 47,000 और 46,900 मैक्सिमम। सेल साइड के लिए तो पुट ऑप्शन बाय करके चलना पड़ सकता है ना, जो लोग ऑप्शन ट्रेडर हैं तो पुट के तरफ में ध्यान देते हैं, तो 47,300 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन, इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको कुछ मूवमेंट दे सकता है, प्रॉफिट दे सकता है। ये है नॉर्मल कंडीशन में, अगर इसी के आसपास ओपन होता है तो, लेकिन हर बार ऐसा तो होता नहीं, ऐसा बढ़िया मामला तो बनता नहीं, ये खुल जाता है कभी कभी, अक्सर ही गैप डाउन खुल जाता है,
या गैप अप खुलता है, तो पहले हम गैप डाउन का लेवल समझते हैं। अगर ये गैप डाउन खुलता है और अपने पुराने एरिया पर खुलता है, इस जगह पे 46900 पे, अगर ये गैप डाउन खुलता है 46900 पे, तो ये एक अच्छा सपोर्ट एरिया है जहां से चांस बन सकता है कि ये बाउंस हो जाए। तो 46900 के पास में डायरेक्ट अगर खुलता है या नहीं खुल के मान लीजिए 47000 के आसपास में गैप डाउन खुलता है, तो ये दोनों ही एरिया बाय ऑन डीप रहेगा, डायरेक्ट गैप डाउन खुल के ये बाउंस कर सकता है, क्योंकि कल 47000 से भी बाउंस किया था, इस प्राइस से भी बाउंस किया था। तो इस कंडीशन में जो आपके टारगेट ऊपर की तरफ आता है वो 47100 से लेके 47200, 47200 और 47300 से लेके आज का जो क्लोजिंग है 47400 तक जा सकता है। कॉल ऑप्शन बाय साइड के लिए तो कॉल ऑप्शन बनेगा फिर 47000 के ही स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन है ना, यहाँ पे लिया जा सकता है, कॉल ऑप्शन पे ध्यान देके चला जा सकता है। हल्का यहाँ से कर देता हूँ कॉल ऑप्शन 47000 वाला, क्योंकि जब इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन फिर ऊपर जाके आपको कुछ मूवमेंट बनाएगा। लेकिन अगर ये गैप डाउन नहीं हुआ और गैप अप खुल गया, यानी कि ऊपर के दिशा में खुल गया गैप अप इसी तरह से, तो जैसे नीचे 400-500 पॉइंट तो उसे ऊपर भी, तो ये डायरेक्ट कहाँ खुल सकता है, 47900 पे खुल सकता है या 48000 के आसपास खुल सकता है। तो जितना नज़दीक 48000 के आसपास खुले वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर से तो सेल के लिए प्रॉफिट बुकिंग करना ही चाहिए सेल के लिए। नीचे जो है टारगेट 47800 से लेके 47500 तक का टारगेट आपको मिल सकता है। यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, कॉल ऑप्शन पे ध्यान देंगे, सॉरी पुट ऑप्शन पे, यहाँ पे आपको पुट ऑप्शन क्योंकि सेल कर रहे हैं ना, तो पुट ऑप्शन पे आप ध्यान देंगे, पुट ऑप्शन आप 47000 का लिया जा सकता है। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे समझिए कि ये गैप अप ही खुल गया, ठीक है, ये गैप अप ही खुला और ये गैप अप खुल के ही ऊपर की साइड में ऐसे भागे जा रहा है, ठीक है। गैप अप खुलने के बाद ये नीचे टिक ही नहीं रहा है, नीचे नहीं आ रहा, ये इस तरह से नहीं आके ये उल्टा रिवर्स ले रहा है गैप अप खुलने के बाद भी, यानी 48000 के ऊपर ही निकल रहा है। तो आपको पहले इसको जहां तक जाना है इसको जाने दीजिए, इसमें हाथ मत लगाइए, ठीक है, आपको हाथ नहीं लगाना है, भागते हुए ट्रेन पे मत चढ़िए, आप इसको छोड़ दीजिए जाने, देखिए कि आखिर ये रुकता कहाँ पर है, भाग रहा है, भाग के एक जगह पर वो रुकेगा, रुक के फिर वो नीचे आएगा। अब आपको ध्यान रखना है कि ये जो एरिया बना है जहां से वो गिरा है, अब आप ध्यान रखिए कि अगर ये 48000 के ऊपर ही है तो आपको जब ये ब्रेकआउट करेगा ऊपर तब फिर यहाँ से बाय साइड का एंट्री बन सकता है, और वो कुछ भी प्राइस हो सकता है, 48050 हो सकता है, 48075 हो सकता है, आप कल कितना प्राइस पर हो गया तो नहीं पता है, ऐसा हो सकता है, तो फिर आपको वहाँ पे कॉल साइड में जाना चाहिए, बाय साइड में जाना चाहिए, ये गैप अप सिनेरियो में बनेगा। तो ये दोस्तों बैंक निफ्टी का लेवल हुआ। अब इसी हिसाब से हम लोग जरा निफ्टी को भी देखें कि निफ्टी का क्या हालचाल है। ये आ गया निफ्टी, अब देखिए निफ्टी का लेवल सेम जैसे बैंक निफ्टी किया वैसे निफ्टी भी कर रहा है ना। तो अभी हमें यह देखना है कि कल का जो क्लोजिंग प्राइस के आसपास था उसी के आसपास इसने सपोर्ट बनाया है, यानी कि 21600 के नीचे जाने को फिलहाल तैयार नहीं है, और वहां से अगर ये तोड़ता है तो 21500 पर आता हुआ 450 तक आता हुआ आसानी से आपको मिल सकता है। ये दो नजदीकी सपोर्ट है, 21450 से 500। ऊपर इसी तरह से रेजिस्टेंस एरिया 21700 के आसपास में, ये बार बार आप देखिए यहीं से टच करके गिरा है, कल भी इसी जगह से गिरा था 9 तारीख को 21725 के आसपास से, आज भी हाई का 21726 लगा के वहीं से गिर गया। तो ये क्या निकल कर रहा है, 21725 वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके ऊपर जाने पर ही आपको मूवमेंट बनेगा। अब आप ऐसे समझिए, यहाँ से हमने एक लाइन लगा लिया ऐसे, तो ये रेजिस्टेंस एरिया है, अब तभी तो गिर रहा है, नहीं जा रहा उसके। लेकिन अगर जो रिस्क की ट्रेडर है ना, कोई रिस्क लेने का जुनून होता है, तो उनके लिए ये सारे लेवल निकल के आते हैं। सेफ ट्रेडर ये प्राइस के ऊपर लेंगे, सेफ ट्रेडर यहाँ पर इस प्राइस के ऊपर 21725 के ऊपर, क्योंकि वहाँ पे रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर सेफ ट्रेडर की एंट्री बनती है। लेकिन रिस्की ट्रेडर तो जैसे ये ट्रेंड लाइन टूटेगा ना वहीं पर मार देगा, है ना, तो उसका भी अपना मजा है उन लोगों का, भाई क्या कहें। 21680 उसका लेवल कितना आता है, 21680 ये लेवल, ठीक है। तो ये दो लेवल बनते हैं जो ऊपर की तरफ में मूवमेंट बनता है। 21725 को तोड़ता है अगर अपसाइड में, तो ये फिर ऊपर की तरफ में और भाग सकता है,
प्राइस 21,750 से लेके 21,800 तक, और बहुत अच्छा रहा तो 21,825। ये 825 क्यों? क्योंकि ये ऑल टाइम शायद हाई है, आप देखेंगे 21,832 का आ रहा है इसके पास यहीं तक फिलहाल। इसके ऊपर टिकेगा तब बड़े टारगेट, 21,850 के ऊपर टिकेगा तब बड़े टारगेट आपको मिल सकता है, अदरवाइज ये वहीं से गिरने का कोशिश बनाएगा। तो 21,825 की जगह आप उसी के आसपास पहुंच सकते हैं, 21,840 लिख लीजिए, 30 लिख लीजिए, क्या दिक्कत है, उसी के आसपास हुआ तो वहां पर आके आपको निकलना है, कोशिश करना है 21,800 के जितना जल्दी निकल जाए वहां पर से। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड बनाना है तो वेट करिए, क्या एक थोड़ा सा ऊपर जाके झटका मार के नीचे आ रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड भी बना सकते हैं। बाइंग साइड के लिए कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है 21,750 के स्ट्राइक प्राइस का, या 21,700 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन आपका ध्यान रखा जा सकता है। इंडेक्स ऊपर जाने पे कॉल ऑप्शन आपको प्रॉफिट दे सकता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ और यहीं से ये रिजेक्शन लेके नीचे गिरता तो ये तो सपोर्ट एरिया है 21,600 का, तो सेलिंग एरिया तो भाई इसके नीचे बनेगा। सेल साफ साफ चार्ट पे दिख रहा है कि 21,600 के नीचे आने पर ही आपको सेलिंग करना चाहिए, और जब इसके नीचे आएगा तो आपको जो टारगेट होता है नीचे की साइड में 21,550, ये वाला एरिया देख रहे हैं 21,550 से लेके 21,500 तक, ये टारगेट आपको ध्यान में रखना है। थोड़ा खराब हुआ तो 21,450 तक भी जा सकता है, जैसा कि इसका लोअर प्राइस है। पुट ऑप्शन आप ऊपर से, पुट ऑप्शन 21,600 के स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है, इन नीचे आने पर ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। ऐसा ना हो के अगर ये भी गैप अप या गैप डाउन खुल जाए मान लीजिए, तब क्या करेंगे, तो मैं यहाँ पे गैप अप की बात करता हूँ। अभी रेजिस्टेंस आपको दिखा था ना 21,830 वाला, है ना, तो यहाँ पर अगर खुल गया मान लीजिए तो अपने आप से पूछिए आप क्या करेंगे, रेजिस्टेंस पर सेल करेंगे तो ये तो बहुत अच्छा लेवल है, लेकिन इतना ऊपर खुला तो नहीं खुला तो हो सकता है 21,800 पर खुले, ये एरिया भी आपको सेल का ही जोन है पहला ये एरिया पे। हमें फ्रेश बाइंग जो करना होगा अगर ये, तो 21,850 के ऊपर करना होगा, जो कि अब मैंने आपको दिखाया रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर निकलने पर फ्रेश बाय बन सकता है, अदरवाइज इस एरिया के आसपास खुलता है तो पहले सेल का लेवल बन सकता है। नीचे के साइड में टारगेट 21,775 से लेके 21,725 तक का टारगेट, और खराब हुआ तो 21,675 से लेके, जो कि आजकल लगभग क्लोजिंग प्राइस है, 21,625 तक का टारगेट लगभग यहाँ का लो वापस क्लेम कर सकता है। पुट ऑप्शन आप ऊपर से लेके 21,800 के ही स्ट्राइक प्राइस का चल सकते हैं, इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा, ये गैप अप सिनेरियो में। और अगर ये गैप डाउन हो गया यानी कि नीचे खुल गया, तब चलिए तो जरा नीचे का भी देखते हैं गैप डाउन है ना, कहाँ चाहते हैं हो जाए 150-200 पॉइंट नीचे, 200 पॉइंट हो गया तो 21,450 पर खुलेगा डायरेक्ट, है ना, अगर 150 हुआ तो 21,500, तो दोनों ही एरिया भैया अभी हमारा बहुत अच्छा सपोर्ट है, ये देख रहे हैं बहुत अच्छा सपोर्ट है, तो इस दोनों के पास में खुलता है तो हमें बाय करना चाहिए। टारगेट जो ऊपर का होगा वो 21,550 से लेके 21,650 तक का टारगेट बन सकता है। कॉल ऑप्शन इस कंडीशन से 21,500 के स्ट्राइक प्राइस पर ध्यान रखा जा सकता है, इंडेक्स ऊपर जाने पर ये कॉल ऑप्शन में ऊपर जाके प्रॉफिट दे सकता है। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोस्तों सारा लेवल है जो फ्राइडे वीकेंड के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप अपनी भी एनालिसिस करें, मिलाएं, और मेरी अगर एनालिसिस में कोई गलती है तो आप मुझे बताइए। बाकी कोई फीडबैक देना हो तो कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है। अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।